हेलो एंड वेलकम टू मोनू मैम्स पाठशाला। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के मैरीगोल्ड बुक क्लास वन के यूनिट 8 ए लिटिल टर्टल पोएम को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस भी मेरे चैनल पर है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ए लिटिल टर्टल, एक छोटा सा कछुआ। से द पोएम अलाउड विथ एक्शंस, पोएम को जोर से बोलिए एक्शन के साथ। आई एम ए लिटिल टर्टल, I crawl so slow, मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ और मैं बहुत ही धीरे धीरे रेंगता हूँ। I carry my house wherever I go, मैं जहाँ भी जाऊँ मैं अपने घर को अपने साथ ही लेकर चलता हूँ। When I get tired, I put in my head, जब मैं थक जाता हूँ मैं अपने सर को अंदर छुपा लेता हूँ। My legs and my tail and I go to bed, मेरे पाँव और मेरे पूँछ मैं अंदर डाल लेता हूँ और मैं अपने बेड पे चला जाता हूँ। बच्चों, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ और मैं अपने घर को अपने साथ ही लेकर चलता हूँ, चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ। बच्चों, जो हम देख रहे हैं, ये जो पीठ पर जो ये मोटा सा एक शेल है, ये कछुआ कहता है कि यह उसका घर है। और जब वो थक जाता है तो वो अपने आप को इसके अंदर डाल लेता है और सो जाता है। न्यू वर्ड्स, नए शब्द। कैरी, कैरी मतलब ढोकर चलना। क्राउल मतलब रेंगना। टायर्ड मतलब थक जाना। टर्टल मीन्स कछुआ। लेट्स रीड, आइए पढ़े। ए बेबी crawls, एक बच्चा रेंगता है। A turtle has a shell, कछुए के पास शेल होता है। Reading is fun, how does a turtle walk, कछुआ कैसे चलता है। The turtle walks very slowly, कछुआ बहुत ही धीरे से चलता है। What does the turtle carry on its back? कछुआ अपने पीछे क्या कैरी करता है? The turtle carries its home on its back. कछुआ अपने पीछे अपने घर को कैरी कर चलता है। Where does the turtle go when it is tired? कछुआ जब थक जाता है तो वह कहाँ जाता है? The turtle goes back to its shell when it is tired. कछुआ अपने शेल के अंदर चला जाता है जब वह थक जाता है। Let's talk. What is the turtle's house called? Turtle के घर को क्या कहा जाता है? The turtle's house is called a shell. टर्टल के घर को शेल कहते हैं। What other reasons can you give for a turtle going into its house? एक कछुए के अपने घर के अंदर जाने के आप क्या क्या कारण दे सकते हैं? There can be multiple reasons for a turtle going into its house. एक कछुए के अपने घर के अंदर जाने के बहुत सारे वजह हो सकते हैं। To save itself from strong wind or storm, अपने आप को तेज हवा से बचाने के लिए या तूफान से बचाने के लिए वो अपने घर के अंदर जा सकता है। To hide from enemies or other dangers etc, अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए या फिर दूसरे खतरों से बचाने के लिए भी एक कछुआ अपने शेल के अंदर जा सकता है। Say aloud, जोर से बोलिए। सर्कल, फायर, कैट, किक, क्वाक, पर्पल, लायर, कोट, किंग, क्वीन, टर्टल, टायर्ड,
कप कीट क्विक लेट्स शेयर इमेजिन यू आर ए टर्टल क्राउल लाइक ए टर्टल इमेजिन कीजिए कि आप एक कछुआ है और आप कछुए की तरह क्राउल करने की एक्टिंग कीजिए नाउ यू आर टायर्ड सो गेट इन टू योर शेल एंड गो टू स्लीप अब आप थक चुके हैं एक कछुए की तरह आप थक चुके हैं तो आप अपने शेल के अंदर जाकर सोने की एक्टिंग कीजिए अपने घर पर आप ये कर सकते हैं बच्चों ठीक है या फिर अपने क्लास में भी अपने दोस्तों के साथ आप ये कर सकते हैं वेक अप एंड स्टार्ट टू क्राउल अगेन उठिए और फिर से रेंगना शुरू कर दीजिए नाउ हाइड इन योर शेल बिकॉज सम नॉटी चिल्ड्रेन आर नियर यू अब आप फिर से अपने आप को अपने शेल के अंदर छुपा लीजिए क्योंकि आपके आसपास कोई शैतान बच्चा घूम रहा है कलर बोथ द टर्टल अब इन दोनों टर्टल को आपको कलर करना है ठीक है बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है आप इन दोनों टर्टल को बहुत ही सुंदर तरीके से कलर कर दीजिएगा आई क्राउल सो स्लो I put in my head. मैं बहुत धीरे रेंगता हूँ I put in my head. मैंने अपने सर को अंदर डाल लिया है Let's read and write. आइए पढ़े और लिखे A, B, C, D, E, F. बच्चों यहाँ जो डॉट्स दिया गया है हमें इन डॉट्स के ऊपर इस तरह से ट्रेस कर कर A B इस तरह से लिख देना है ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों आई होप कि आपने पोएम को अच्छी तरह से पढ़ लिया है मीनिंग को समझ लिया है एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर लिया है अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी